हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीए आकांक्षा तुमानी। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अहमदाबाद बुक क्लब। एंड टुडे वी आर हैविंग विद अस ए मैन विद मैनी 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 टैलेंट्स, मिस्टर अनिर्बान भट्टाचार्य। वेलकम सर। वेलकम। केम छो केम छो? मजा मा मजामा तमे केम मजा छो? मा इट्स एकदम मी अ ऑल्सो ग्रेट मजा मा। टू हियर फ्रॉम गुजराती लाइंस। दैट्स द ओनली गुजराती आई नो। केम छो So मजा मा। I am running out of words to introduce him. He is a producer of the famous television show Crime Petrol, writer of the show Fear Files, producer, writer at Sawdhan India. He had been content head at Channel B, and not just this, he is a stand-up comedian as well. And one more, a big thing is that he has acted in the movies like Mission Munger, super duper hit movies like Sui Dhaga, and the television shows like Adalat. So I am so much impressed by so many things that I was trying to remember the things, so many things to remember to speak about you. No, you don't need to speak anything about me. It's But I'm all always good. happy to meet such great personalities, and I feel a privilege that I got this chance from Ahmedabad Book Club to have an interaction with you. No, it's my pleasure to be part of this and part of any platform that promotes reading books. It's a Yes. great great platform क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो किताब पढ़ते नहीं है और आई एग्री, रीडिंग रीडिंग हैबिट जो है वो काफी डिक्रीज हो चुका हो है, चुकी है। हो चुका है, हो चुकी है। मैं बंगाली हूँ तो एडजस्ट कर लेना हिंदी से। और तो एनी प्लेटफॉर्म दैट प्रमोट्स बुक रीडिंग, इट्स आई एम ऑलवेज ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो थैंक एंड यू फॉर बीइंग अ इनवाइटिंग। कॉन्फिडेंट, I feel a privilege that I am getting a chance to talk to you about your book. So let me speak about the book that Mr. Anirban Bhattacharya is also an author of one of the very well-known bestseller, that is The Dozen Dead, The India's Deadly most known. Dozen. The The Deadly Dozen. Deadly Dozen, sorry sir, India's most notorious serial killers, which was launched in June 2019 by a renowned personality, Mr. Anurag Kashyap, in Mumbai. So, sir, हाँ tell us जी। something about this book. ये बुक है, देर आर 12 ट्रू क्राइम स्टोरीज। ये सच्ची कहानियां हैं और इट्स अबाउट 12 ऑफ द मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर्स ऑफ इंडिया। तो पहली बार यह है कि आप जब भी वो टर्म कहते हो सीरियल किलर, तो लगता है कि ये सिर्फ अमेरिका में होता है या वेस्टर्न कंट्रीज में होता है सीरियल किलर्स। लेकिन हमारे कंट्री में बहुत सारे सीरियल किलर्स हैं। मैं जब किताब लिख रहा था और रिसर्च कर रहा था तभी मुझे 32 सीरियल किलर्स के बारे में पता चला। वाओ 32। सो दीज आर द स्टोरीज ऑफ 12 सीरियल किलर्स ऑफ इंडिया, वे हु बेसिकली कमिटेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर 2000 मर्डर्स सब मिला के। तो ये काफी एक सेंसेशनल किताब है और डरावनी भी है क्योंकि ये हकीकत का स्टोरी है। इट्स ऑल ट्रू, इट्स ऑल रियल। So it's a तो non fictional book based on true stories of crime. हाँ जी, हाँ जी। तो So sir, I would like to know about how you researched about them, like how was the process of, and what strike you कि मुझे ऐसी कुछ कहानियां लिखनी है? पहली बात तो ये है कि मैं सावधान इंडिया क्रिएट किया है 2012 में और मैं प्रोड्यूस करने लगा वो शो। ओके और तो क्राइम मेरे जहन में घुस गया क्योंकि 24/7 में सिर्फ क्राइम रिपोर्ट्स पढ़ता था और पुलिस स्टेशन के एफआईआर्स पढ़ता था और सुप्रीम कोर्ट के पेपर्स पढ़ते थे क्योंकि आई हैड टू थिंक ऑफ न्यू स्टोरीज टू राइट एंड प्रोड्यूस। ये तो उस वक्त मुझे काफी सारे सीरियल किलर्स के बारे में पता चला और ओके आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर। बचपन का सपना था कि मैं किताब लिखूं। तो आई मेट दिस जेंटलमैन कॉल्ड सुहेल माथुर, और माथुर साहब जो है वो एक लिटरेरी एजेंसी रन करता है जिसका नाम है द बुक बेकर्स।
और उन्होंने उनसे मैं मिला और मैं उनसे ऐसे ही कहा कि यू नो आई वांट टू बिकम अ राइटर. तो ही सेड ऑफ कोर्स देन वी कैन गेट अ बुक यू नो बुक डील फॉर यू, नो प्रॉब्लम, व्हाट डू यू वांट टू राइट अबाउट. तो मैं बोला कि हाँ, मेरा पहला किताब जो है वो एक रोमांस नॉवल है, फिक्शन है. तो उन्होंने कहा कि भैया, जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तुम उसके उससे क्यों नहीं काम चलाते हो. जैसे यू आर डूइंग क्राइम शोज, तो इफ यू राइट अ स्टोरी ऑन ट्रू क्राइम देन पीपल विल एक्सेप्ट इट इजीली, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, ये बंदा प्रोड्यूस करता है सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल, तो जो लिख रहा होगा वो सही रिसर्च करके ही लिख रहा होगा. सो देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग दिस बुक और वी पिच्ड इट, वी मेड अ पिच डॉक्यूमेंट कि ये है कॉन्सेप्ट, और सुहेल ने, बुक बेकर्स ने फिर भेज दिया डिफरेंट पब्लिशर्स को. और विद इन 2 वीक्स आई थिंक पेंगुइन इंडिया गॉट बैक एंड सेड वी वुड लव टू पब्लिश योर बुक. सो जर्नी वहां से शुरू हुआ. फिर रिसर्च जब करने लगा तो एक साल और 14 महीने लग गए ये किताब लिखने में. 14 मंथ्स इट टुक मी टू राइट दिस बुक एंड रिसर्च दिस बुक. तो रिसर्च में काफी टाइम गया मेरा. बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ा मैं, जर्नलिस्ट से मिला, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ढूंढ ढूंढ के निकाला, आर्काइव से, रिसर्चर्स, दूसरे रिसर्चर्स के साथ में बात किया. तो बहुत टाइम लगा, यू नो. सो इट वाज अ वेरी डिटेल्ड रिसर्च. और अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर इंफॉर्मेशन के लिए मैंने साइटेशन दिया है. साइटेशन यानी कहाँ से मैं इंफॉर्मेशन मिला. हाँ, तो पूरा जो है लास्ट कुछ 20 पेजेस आई थिंक आर जस्ट यू नो साइटेशंस. इफ यू सी, इफ यू कैन सी, सो दिस आर ऑल साइटेशंस, यू नो. सो लाइक 20 पेजेस ऑफ देम आर जस्ट नोट्स. तो इट्स अ वेरी थरली रिसर्च्ड बुक. और इंडिया में सीरियल किलर्स के बारे में ये पहला किताब है जो इतना डिटेल में लिखा गया है. और जो इतना रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, सो नो, फ्रेंड वी कांट अफोर्ड मिसिंग इट। इट्स यू सच अ कांट. काइंड ऑफ बुक जो बिल्कुल ट्रू स्टोरीज है, एंड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज रिसर्च प्रॉपरली वेल, एंड देन इट वाज कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। सो आई वुड हाँ जी, डेफिनेटली रिकमेंड, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई माय सेल्फ टू रीड दैट बुक। बिल्कुल डरना मत. लेकिन नहीं सर, आई हैव वॉच्ड द शोज लाइक साउथर्न इंडिया एंड क्राइम पेट्रोल। सो हाँ, ये किताब उनसे भी ज्यादा खतरनाक है. अच्छा, क्योंकि हम टीवी पे बहुत सारे चीज दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि सेंसरशिप होता है टीवी में. किसी का गर्दन, यू मस्ट रीड इट विदाउट एनी फियर। यस, क्योंकि टीवी पे हम किसी का गर्दन कट रहा है वो दिखा नहीं सकते, लेकिन किताब में लिख तो जरूर सकते हैं. परफेक्टली फाइन। बहुत सारी चीजें जो हम पिक्चराइज नहीं कर सकते, बट दैट आर पार्ट ऑफ द बुक्स। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। बड़े आई वुड लाइक टू नो वन मोर थिंग अबाउट फ्रॉम यू, बिकॉज जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, व्हेन आई रेड अबाउट यू, सो आई फाउंड आउट एवरीथिंग रिलेटेड टू क्राइम ओनली, लाइक क्राइम पेट्रोल, साउथर्न इंडिया, देन फियर फाइल्स, देन योर बुक इज ऑल्सो अबाउट दिस सेक्टर ओनली, लाइक सो देर इज देर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट, फॉर चूजिंग दिस जोनर ओनली? क्यों? क्योंकि मैं क्राइम शो ऑलरेडी कर रहा था. जैसे मैं कहा कि मेरा लिटरेरी एजेंट जो है, उन्होंने कहा कि क्राइम के बारे में लिखो तो इट्स इजियर टू गेट पब्लिश्ड, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन दैट फील्ड. तो अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर सचिन तेंदुलकर कल किताब लिखता है अबाउट ट्रू क्राइम, तो वो शायद पीपल विल नॉट बिलीव कि ये परफेक्टली बंदा जानता है. या अगर मैं क्रिकेट के बारे में लिखूं तो पीपल विल से, अरे यार, ये बंदा कैसे लिख सकता है क्रिकेट के बारे में, जब कोई कनेक्शन ही नहीं है क्रिकेट के साथ. तो वो वाला एक रिलेटेबिलिटी होता है और ऑडियंस का बिलीवेबिलिटी भी होता है कि हाँ, चलो ये लिख रहा है तो जरूर अच्छा ही होगा. अगर आई एग्री सर, आई एग्री। कल चेतन भगत, सोचो कि सीरियस फिलोसफी का किताब लिख देता है, कौन विश्वास करेगा उसे, है ना. सो पब्लिक हर एक पर्सन की स्ट्रेंथ होती है, सो आई करेक्ट. एग्री विद दैट। एज यू आर इनटू मेनी फील्ड्स नाउ, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हिच फील्ड यू आर मोस्ट इंक्लाइन टू, लाइक यू आर अ प्रोड्यूसर, यू आर एन एक्टर, यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन, यू आर एन राइटर, सो
what is closest to you? क्लोजेस्ट आई थिंक इज स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि परफॉर्म करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. टेलीविजन प्रोड्यूसिंग और प्रोडक्शन जो है वो घर चलाने के लिए होता है. ये तो है कि इट्स नॉट कि आई डोंट एन्जॉय इट, आई लव इट, क्योंकि मैं क्लास सिक्स से मैं चाहता था कि मैं मास कम्युनिकेशन के फील्ड में काम करूं, टेलीविजन या फिल्म में. तो ये एक सपना था, तो वो तो पूरा हो गया. सो आई एन्जॉय बीइंग इन मास मीडिया एंड प्रोड्यूसिंग शोज एंड राइटिंग स्क्रिप्ट और वो सब है. बट स्टैंड अप कॉमेडी में दूसरे टाइप का एक मजा आता है, क्योंकि वो इंस्टेंट आपको पता चल जाता है कि आपका उस शाम का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि खुद का लिखा हुआ होता है जोक्स, करेक्ट, और खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं, और तो ऑडियंस भी वहीं पे मौजूद होता है. ये नहीं कि टीवी के उस साइड की पता नहीं चला कि क्या कर रहे हैं, तो इंस्टेंटली पता चल जाता है कि भैया आज तुम पिट गए कि हिट हो गए. तो वो एक एक्साइटमेंट रहता है, और लोगों को हंसाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो आई लाइक स्टैंड अप कॉमेडी एंड राइटिंग ऑफ कोर्स इज अनदर पैशन. आई ऑलवेज अप्रोच एवरीथिंग इन लाइफ सेइंग अनलेस एंड अनटिल यू हैव ट्राइड इट, आपको पता नहीं चलेगा कि आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते. True, sir. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, तो अगर आप स्विमिंग पूल के बाहर बैठ के बोलोगे कि अरे यार मुझे तो तैरना नहीं आता है, तो कैसे पता चलेगा? वो ट्राई तो करेंगे तो ही पता हाँ, चलेगा. करेक्ट करेक्ट, ट्राई करेंगे या डूबोगे या सीख जाओगे. डूब गए तो बोल बोल सकते हो कि हाँ भैया ट्राई किया, मुझसे नहीं होता है ना. तो वो बात है. तो आई ट्राई एवरीथिंग, एक्टिंग, राइटिंग, जो कुछ आता है मैं कर लेता हूँ ग्रेट और ग्रेट एंजॉय सर, करता हूँ. दैट्स द बेस्ट पार्ट कि यू एंजॉय एवरीथिंग यू डू, एब्सोल्युटली. और वो नहीं तो जरूरी भी है, हाँ अदरवाइज हम कर नहीं पाएंगे. करेक्ट, नहीं तो वही बैठ के आप रोओगे कि अरे यार इतना काम है क्यों करूं, ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रिक्स, समबडी सेड, आई डोंट रिमेम्बर हु, कि वर्क नीड्स टू बी फन. इफ यू डोंट एंजॉय द वर्क देन इट बिकम्स वर्क, जिसमें कोई जान ही नहीं होता है. तो आई ट्राई टू मेक यू नो आई ट्राई टू गेट द एंजॉयमेंट आउट ऑफ एवरीथिंग. सो देन टाइम पास हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी, पता नहीं चलता कि ऑफिस में है. इजिली करेक्ट टाइम निकल जाता है. एग्जैक्टली करेक्ट, और आर्टिस्ट लोगों का टाइम तो निकल ही जाता है. वो तो सपने देखते देखते टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे टाइम बीत जाता है. हम सपने देखते रहते हैं बस. भी अच्छी आदत है, सपने देखना, तभी हम हाँ पूरे करेंगे. हाँ बट सपने देखने के साथ साथ काम भी करना चाहिए, यू नो, टू वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग दैट ड्रीम. नहीं तो सपने में ही मैं ही अमिताभ बच्चन, मैं ही माइकल जैक्सन, मैं ही सही नंबर वन बेस्ट सेलर ऑथर कैसे होगा बिना लिख के किताब. तो वो है. सर, व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बुक एंड कैसा रिस्पांस मिला बुक को? एक्सपेक्टेशन जब मैं लिख रहा था तब आई वॉन्टेड टू गिव अ बुक दैट इज एंटरटेनमेंट, या क्योंकि ये ट्रू क्राइम है, बहुत आसानी से मैं एक रिसर्च पेपर की तरह लिख सकता था, वेरी ड्राई, वेरी फैक्चुअल. लेकिन आई रोट इट इन अ वेरी एंटरटेनिंग नैरेटिव फॉर्मेट, फिक्शन फॉर्मेट, लाइक यू वुड रीड एनी स्टोरी. क्योंकि मुझे पता था कि ऑडियंसेस को वो ड्राई नैरेटिव नहीं चाहिए, और क्राइम जैसा जॉनरा है तो वो क्राइम जॉनरा ही इतना मसालेदार होता है, एंटरटेनिंग होता है, तो उसके लिए एक मसालेदार नैरेटिव चाहिए. सो आई वांटेड टू एंटरटेन द ऑडियंस प्राइमरीली एंड गिव देम एन एंजॉयबल बुक. अब एक्सपेक्टेशन तो अब खुद का बच्चा है, तो आप चाहोगे कि हाँ बच्चा पैदा किया है तो अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेगा, करियर अच्छा बनेगा, यू नो, कुछ टैलेंट निकलेगा बच्चे का. तो वो है. तो इट्स लाइक योर ओन चाइल्ड. एंड आई वॉज वेरी ब्लेस्ड टू हैव पेंगुइन इंडिया एज माई फर्स्ट पब्लिशर.
तो ये तो एकदम इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि बचपन में हम लोग सब किताबें पढ़ते थे स्कूल लाइब्रेरी में, लेडी बर्ड बुक्स होता था, पेंगुइन के किताबें होते थे, रूपा पब्लिशर इस टाइप के किताब होता था, ये सब बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं इंडिया में। तो जब पेंगुइन ने कहा कि वो दे विल प्रिंट द बुक, आई वॉज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। तो आई ऑल्सो देयरफॉर हैड द मार्केटिंग पावर ऑफ पेंगुइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर ऑफ पेंगुइन बिहाइंड द बुक, सो दैट रियली हेल्प एज वेल। सो द बुक वेंट ऑन टू बिकम नंबर वन विद इन 16 आवर्स ऑफ इट बींग लॉन्च्ड ऑन एमेजॉन ऑन प्री ऑर्डर, वो भी रिलीज नहीं हुआ था किताब, प्री ऑर्डर पे ही नंबर वन हो गया। उसके बाद विद इन अ वीक इट बिकेम द बेस्ट सेलिंग बुक ऑन एमेजॉन इन द क्राइम कैटेगरी, तो नंबर वन बेस्ट सेलर बन गया। तो इट्स बीन अ गुड जर्नी, That's really great and amazing. आई बीन ब्लेस्ड। आई ऑलवेज जो भी जो कुछ भी होता है लाइफ में अच्छा, वन शुड बी ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल। क्या होता है Yes. कि हम कुछ अचीव कर जाते हैं ना, वो सीढ़ी पे चढ़ गए ऊपर पहुंच गए, तो हम भूल जाते हैं कि पीपल हु हेल्प्ड टू यू नो इन दैट जर्नी, या लिटिल थिंग्स दैट अदर पीपल डिड फॉर यू, यू नो, सो वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल। तो आई ऑलवेज से दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड। मेरे दोस्त भी काफी इरिटेट हो जाता है, बोलते हैं कि अरे यार हर टाइम क्या ब्लेस्ड ब्लेस्ड बोलता रहता है। हाँ ब्लेस्ड है, अभी क्या करें, यू नो, सो द अच्छी बात मोर है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल। यस, वी हैव टू बी ग्रेटफुल। लाइक आई एम फीलिंग ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल दैट अहमदाबाद बुक क्लब हैज इन्वाइटेड मी टू शेयर माई जर्नी। अहमदाबाद के साथ मेरा बहुत ही एक पुराना रिश्ता है। 2002 में मैं जब चैनल वी में काम करता था, तब हमारे इंडिया का फर्स्ट रियलिटी शो था पॉप स्टार्स करके, तो हम अहमदाबाद आए ओके हुए थे ऑडिशन लेने। तो आई हैड सम वेरी गुड फूड इन अहमदाबाद, अहमदाबाद और इज वेल नोन फॉर फूड। करेक्ट, और मैं क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो मीठा खाना मुझे बहुत पसंद होता है। तो लोग जो कहते हैं ना, अरे यार गुजराती खाने में हर हर खाने में वो लोग शक्कर मीठा डालते हैं, होता हाँ, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि आई एम बंगाली, आई डोंट माइंड इट एट ऑल। सो व्हेन यू आर विजिटिंग नेक्स्ट। अब तो देखो COVID-19 चल रहा है, अब व्हेन COVID-19 विल लीव द वर्ल्ड ओनली देन आई थिंक पीपल विल बी एबल टू ट्रैवल। इवन आफ्टर दैट आई डोंट थिंक पीपल विल रिस्क ट्रैवल फॉर एटलीस्ट 6 months, यू Yes, नो। exactly. और There will ऑफ कोर्स देयर विल बी फियर, और ये जो है ये विशियस साइकिल है। अब हम पूरे तरीके से तो ये निकाल नहीं सकते वायरस को, क्योंकि आप एक स्टेट लॉक कर दिए, सब कुछ गुजरात को लॉक लॉकडाउन कर दिए और एक साल के लिए लॉक कर दिए फॉर एग्जांपल, लेकिन जब खोलोगे तब क्या गारंटी नहीं है कि कर्नाटका से आ जाएगा कोई, फिर चालू हो जाएगा वही। सो ये इट्स अ नेवर विशियस, एंडिंग प्रोसेस है अंटिल एंड अनलेस वी फाइंड अ मेडिकेशन फॉर इट। करेक्ट। सो जैसे अमेरिका में फ्लू है, तो दे हैव लर्न टू लिव विद इट। आई थिंक मुझे भी लगता है कि COVID-19 के साथ हमें शायद अब जीना जीना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा हमें, यू नो, टेक प्रिकॉशंस एंड लिव। यस ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि राइटिंग इज इट लाइक कंसिस्टेंसी होना चाहिए राइटिंग में। लाइक यू आर राइटिंग अ बुक, सो कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है या फिर समथिंग एल्स दैट यू आर राइटिंग इन ब्रेथ्स बट यू आर कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन इट। आप जब व्हेन यू यूज द वर्ड कंसिस्टेंसी, व्हाट डू यू मीन, एक्सप्लेन कीजिए। लाइक एवरी डे यू आर गिविंग 1 आवर 2 आवर और 3 आवर्स टू राइटिंग पार्ट। हाँ करेक्ट, वो होना बहुत ही जरूरी है वो, यू नो, क्योंकि यू इफ यू हैव टू ऑलवेज यू नो बी एट इट, यू हैव टू कीप राइटिंग इट, यू नो, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। और क्या होता है कि वी आर ऑल्सो वेरी लेजी एज यू नो एज ह्यूमन बींग्स, हम हमारे लिए एक्सक्यूजेस बहुत होता है, यू नो वी आर वेरी इजी टू से यार आज नहीं करते यार कल करेंगे,
तो वो कल आते आते बहुत सारे कल आ जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब 2 हफ्ते बीत गए। तो मेरा एक दोस्त है, काफी फेमस एक्टर भी है, उनका नाम है जयंत कृपलानी, और खुद ऑथर भी है। जी मंत्री जी करके एक सीरियल आया करता था, उसमें व्हेन आई डोंट थिंक यू वर बॉर्न देन, एंड अभी एक आर्या करके हॉटस्टार पे एक बहुत ही शानदार यस शो आया है, तो उनपे उनमें उन्होंने एक्टिंग किया है। तो जयंत कृपलानी जो है वो ही इज ऑल्सो अ राइटर। तो व्हेन आई वॉज डिस्कसिंग इट विथ हिम व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, ही सेड यू हैव टू एट इट एवरी डे, हैबिट बना लो। अगर आप टाइम फिक्स करते हो कि हाँ सवेरे 7 से 9 बजे तक मैं लिखूंगा, वो मेरा टाइम है, तो हर दिन 7 से 9 तुम बैठो कंप्यूटर के सामने, उस दिन आप कुछ लिखो या ना लिखो, यू हैव टू मेक इट अ हैबिट। आप इफ यू आर गोइंग टू बी अ नेशनल लेवल क्रिकेटर, यू हैव टू प्रैक्टिस एट द नेट्स। वो PS4 में क्रिकेट खेल के तो कोई होगा नहीं, करेक्ट? सही सो यू हैव टू टर्न अप। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी राइटर, एंड स्पेशली जो अभी देख रहे हैं अहमदाबाद बुक क्लब के मेंबर्स जो हैं, जो देख रहे हैं और राइटर बनना चाहते हैं, उन उनके लिए मैं एक ही ये सलाह देता हूँ कि जरूर लिखिए, हर दिन लिखिए, और हैबिट हो जानी चाहिए। बहुत टाइम लॉट ऑफ टाइम्स हम कहते हैं कि अरे यार आज मूड नहीं है, यस या और यार टुडे द म्यूज इज नॉट विजिटिंग मी, इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है आज लिखने के लिए। वो बात नहीं है, जैसे कुछ भी काम के जैसे ही है लिखना, इट इज लाइक एनी अदर वर्क, इट इज नॉट समथिंग मैजिकल। सर, आई वुड लाइक टू एड ऑन, लाइक व्हेन आई वाज राइटिंग माय बुक द हैप्पी फिलोसोफर, हाँ सो जी आई वाज फेसिंग इश्यूज लाइक राइटर्स ब्लॉक जो हो जाता है, लाइक आई वांट टू गिव इट टाइम, आई वांट टू राइट, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट शुड आई राइट. सो राइटर्स ब्लॉक आ जाता है व्हेन यू कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, सो हाउ टू राइट। ओवरकम इट? सो यू हैव टू कीप, सो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, से यू आर राइटिंग अबाउट, यू गिव मी एन इंस्टेंस, कैसे आपको वो राइटर्स ब्लॉक किस उसमें हुआ, Like मोमेंट I में was हुआ? writing the last chapter of the book, and I wanted to give it a good ending part. So I was ओके unable to conclude it. ओके So, even in my writing, when I come across any kind of block or challenge, जब when I can't see, अच्छा इसके इसके बाद क्या होगा, कैरेक्टर क्या कहेगा, किस किस टाइप के जर्नी होगा कैरेक्टर का, तो व्हाट आई डू इज दैट आई ट्राई टू लुक फॉर सॉल्यूशंस कि इफ इट इज नॉट हैपनिंग दिस वे, देन हाउ डू आई गो अराउंड। अभी देखो गाड़ी चला रहे हो आप, ठीक है, गाड़ी चलाते चलाते पता चल गया कि रोड के बीच में खड्डा है, ठीक है, तो आप खड्डे के थ्रू तो नहीं जाओगे, करेक्ट? यू विल गो अराउंड द खड्डा, करेक्ट? तो राइटर्स ब्लॉक इज ऑल्सो लाइक दैट खड्डा, इट इज देयर। आपके पास दो चॉइस है, अगर आप गाड़ी पे बैठ जाओ और वेट करते रहो कि हाँ कब म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन आएगा, खड्डे को भरेगा, उसके बाद मैं गाड़ी लेके जाऊंगा उस तरफ, वो एक चॉइस है, तो आप बैठे रहोगे, या आप सोचो कि अच्छा खड्डा है तो मैं किस किस साइड से जाऊं, अभी आपके पास फिर दो ऑप्शन है, लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ। सो व्हेन यू आर राइटिंग कैन यू नो कि ओके अभी सुखविंदर करके कैरेक्टर है, सुखविंदर का भी एंड होने वाला है, सुखविंदर का एंड कैसे होगा, या हैप्पी एंड होगा या सैड एंड होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा। तो यू हैव टू कीप चैलेंजिंग योर सेल्फ एज अ राइटर एज वेल। हम ओके इंसान जो है काफी आलसी है, ये मैं बता देता हूँ, हम वी कीप लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस, तो कि हाँ आज नहीं करते कल करते हैं। जैसे मैं अभी एक किताब लिख रहा हूँ, एक ट्रू क्राइम के बारे में लिख रहा हूँ, नया किताब, तो वही होता है कि मैं भी अभी लॉकडाउन के चक्कर में बहुत ही आलसी हो चुका हूँ, नेटफ्लिक्स देखता रहता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, वीडियो गेम खेलता हूँ, तो कभी कभी बोल देता है आज नहीं होगा,
कल लिखेंगे कल लिखेंगे, और ये कल करते करते बीत जाता है 2-3 दिन। या मैं जब लिख रहा होता हूँ तब बोलता है यार फेसबुक पे चेक कर लेता हूँ कि क्या है, तो मैं फेसबुक पे जाता हूँ और फिर बह जाता हूँ, 2 घंटे कहाँ से निकल जाता है पता नहीं चलता। सो वी हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन इज अ वेरी इम्पोर्टेंट यू नो टास्क टू बी अ राइटर, क्योंकि राइटिंग जो है ये बहुत सोलो प्रोजेक्ट है। ये तो नहीं है यस कि आप कॉरपोरेट जॉब के तरह टीम के साथ आप लिख रहे हो या कुछ कर रहे हो। कॉरपोरेट जॉब या कुछ में क्या होता है कि यू आर अकाउंटेबल टू समबडी। आप जब काम नहीं करोगे तब आपका बॉस आपको बोलेगा अरे यार क्या कर रहा है, क्यों नहीं ये फाइल पहुंचा डेस्क पे, ये क्यों नहीं खत्म हुआ। इधर कोई बोलने वाला है नहीं, आप समझ रहे, आप ही हो बॉस और आप ही हो लीडर। रिस्पॉन्सिबल फॉर आर वर्क. या सो इफ यू डोंट राइट यू विल नॉट फिनिश इट, सिंपल। True. सो दैट इज डिसिप्लिन इज अ मस्ट यू नो टू राइट। Okay, sir. Now we are seeing like there is digital writing and traditional writing is losing its impact. So what do you think, which is more preferable, like digital writing or traditional writing? When you say digital writing, what do you mean exactly? Digital as in Like we. Kindle Yes, e-book. yes, 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 yes. No, so Kindle and all of that is an extension of your reaching the audience, right? अभी एक जमाने में मूवी थिएटर्स में हम सिनेमा देखते थे, उसके बाद दूरदर्शन आया, उसके बाद वीडियो आया, VHS आया, उसके बाद केबल टीवी आया, उसके बाद DVD आया, तो इट्स अभी OTT है, तो इट्स सेम कंटेंट तो सेम है। अब यू आर जस्ट गिविंग अ चॉइस फॉर द ऑडियंस टू एक्सेस इट, किस तरीके से वो लोग एक्सेस करना चाहेंगे। सो यू इट्स जस्ट अ चॉइस। अभी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक अभी क्या हो रहा है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर यू नो प्रिफरिंग टू रीड ऑनलाइन, किंडल डाउनलोड करके, ई बुक यू नो डाउनलोड करके, क्योंकि दे डोंट वांट डिलीवरी टू कम होम। यू नो अमेज़ॉन विल कम एंड यू नो पैकेट कंटामिनेशन होगा, ये होगा वो होगा। सो अ लॉट ऑफ द पीपल आर यू नो प्रिफरिंग टू ऑर्डर देयर बुक्स थ्रू यू नो किंडल एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट्स जस्ट अ चॉइस ऑफ इट्स जस्ट एन ऑप्शन, नॉट इवन अ चॉइस, इट्स जस्ट एन एडिशनल ऑप्शन फॉर पीपल टू रीड। और बेनिफिट्स भी है, आप अगर आपके पास 100 किताबें हैं आप 100 किताब लेके तो घूम नहीं पाओगे, लेकिन किंडल में होगा तो आप घूम सकते हो। करेक्ट करेक्ट। सो दैट्स दैट। अगर अभी आज सुशांत सिंह राजपूत का फाइनल फिल्म आज प्रीमियर हो रहा है हॉटस्टार पे, बिकॉज द थिएटर्स आर क्लोज्ड, द ऑडियंस नाउ विल हैव द ऑप्शन टू वॉच इट ऑन हॉटस्टार। You know, so it's just a platform at the end of the day. True. I believe a writer is always a great reader first. If I'm not wrong, you must be a reader as well. हाँ So, which book touched your heart most? Like, which is your most favorite book you have read so far? वो तो काफी सारे किताबें हैं जो फेवरेट यू नो इट्स लाइक आस्किंग अ बंगाली तुम्हारा फेवरेट मिठाई कौन सा है, तो ये तो गलत सवाल है क्योंकि तब भी बंगाली कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ कोई एक बुक ऐसी होती है सर, लाइक वी आर टच्ड एंड मूव्ड बाय द बुक. हम बहुत पुराना एक किताब है ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, डब्ल्यू समरसेट मॉम का लिखा हुआ, बहुत ही इमोशनल किताब है, क्योंकि वो भी एक बोर्डिंग स्कूल के बच्चे के बारे में, और मैं भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा है तो एक इमोशनल कनेक्ट हो गया था उसमें। माय वाइफ इज लाफिंग एट माय हिंदी, हाँ तो एनी शी इज फेड अप, शी इज सेइंग यू बीन मैरिड फॉर 19 इयर्स यू स्टिल हैवंट लर्नड हिंदी फ्रॉम मी, अब मैं क्या करूँ, तो होता नहीं है मुझसे। तो दैट इज वन बुक। आई ऑल्सो लाइक रीडिंग बुक्स बाय अमिताभ घोष। ओके अमिताभ घोष आई थिंक इज प्रॉबली द फाइनेस्ट यू नो राइटर दैट वी हैव।
Murakami is another one. Yes. Marquez is another one who I really like his work to read. Paulo Coelho. So yes, these are the books that I really like. Yeah. So बहुत सारे किताबें हैं और it also depends कि आप जिंदगी के किस मोड़ पे क्या किताब पढ़ते हो. You know, that is very interesting क्योंकि I have read a certain book at a certain time and I have not enjoyed it. Phir I have tried that book again at a different point in my life and I have loved it. You know, because you are approaching every book with your own experience. You know, you have when aged. You can connect to it, you feel more enjoyable. Correct. जब हम book से connect कर पाते हैं while reading. Correct. और okay, so we are. Sorry, हाँ बताओ. Okay. So we are discussing reading, sir. मैं चाहूंगी कि आप लोग audience को ये बताएं, give them the reason why reading should be an important habit of their everyday life. My grandmother encouraged me to read, and all her grandchildren to read and write, because she, for that generation also, education was a very important thing, especially for women in the 30s and 40s when they were growing up. You know, so it was very important because बहुत सारे लेडीज जो है उनको एजुकेशन नहीं मिलता था. दे यूज टू गेट मैरिड ऑफ एट द एज ऑफ 13, 12. सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर टू मेक श्योर दैट हर चिल्ड्रन एंड हर ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रू अप एजुकेटेड एंड फेल इन लव विद रीडिंग एंड राइटिंग. यू नो सो एंड इवन दैट आई मीन आई हैव ट्राइड टू इनकलकेट दैट हैबिट विद माई सन व्हेन ही वॉज बॉर्न, व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड एंड ही स्टार्टेड रीडिंग एट द एज ऑफ आई थिंक 2. He started reading, you know, and it became a habit. Ek time tha jab he wasn't studying at all, but just reading, you know. So reading is very important for us because it's a way to gain knowledge, to gain empathy. Kyunki what is happening all around us, if we get stuck on that, we will turn into demons. है ना, जो सोशल मीडिया पे होता है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे होता है हर दिन, या यू नो बीजेपी के फेक आईटी सेल जो हर दिन निकालते हैं एक एक मजेदार फेक न्यूज, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट ये हेट्रेड ये है वो है, नेगेटिविटी अराउंड. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियंस है एंड दे विल कीप ट्राइंग टू सर्व देयर ओन एजेंडा. If a politician says that, oh, we care about our country, then he is the biggest liar. He or she does not care about the country. Every politician comes, वो गद्दे पे आते हैं और अपना ही सोचते हैं और अपने पार्टी वाले का ही सोचते हैं. तो at the end of the day, we have to take care of ourselves. We have to think about other human beings, you know. So reading, once you read, you write, you become. You know the world much better. True. आपको हर किताब किताब के साथ आपको एक नई दृष्टिकोण मिलता है. Because you see the world through the eyes of that author. Yes. और तो एक नया you know angle मिल जाता है. It's very important that you should all read and write. तो चलो ठीक है, बहुत सारे लोग लिखते नहीं है, but reading should be. अगर हम रीड नहीं करेंगे तो वी विल कीप आवरसेल्फ लिमिटेड इन ऑल दोस थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड. वी विल नेवर गेट अ न्यू इनसाइट. एब्सोल्युटली. एंड व्हिच इज मच नीडेड. करेक्ट. वो हम वही विल बिकम शायद हिंदी में एक शब्द है कुप मंडुक या बंगाली में है पता नहीं, द फ्रॉग इन द वेल. जो yes. एक कुएं के अंदर एक मेंढक होता है तो मेंढक सोचता है यही मेरा दुनिया है. yes, यही वो कभी बाहर जाने का सोचता भी नहीं. करेक्ट. तो देन दैट व्यू पॉइंट एंड एक्सपोजर इज लिमिटेड, यू नो. सो वी हैव टू स्टॉप बीइंग दैट फ्रॉग इन द वेल. वी हैव टू जंप आउट एंड यू नो सी द वर्ल्ड.
Yes, sir, what message you would like to give to all the aspiring writers? Writing is, as I said, it's not magical. Anybody can become a writer. Anybody can become a writer. Huh. How do you become a good writer? Is you have to practice your craft. It is like any other craft. It comes, some of them are gifted. जैसे क्रिकेट में मैं बोलता रहता हूँ कि हाँ, सम पीपल आर गिफ्टेड लाइक सचिन तेंदुलकर, तो उनको थोड़ा सा इजी हो जाता है खेलने के लिए. सम ऑफ देम आर हार्ड वर्किंग लाइक सौरव गांगुली, जो एक्चुअली फुटबॉलर बनना चाहता था लेकिन एक्सीडेंटली क्रिकेटर बन गया. सो ही प्रैक्टिस 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 टिल ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो एज अ राइटर सम ऑफ देम आर गिफ्टेड लाइक सचिन, तो इट कम्स नेचुरली टू देम, इट्स इजियर. Some of them want to become writers, but it's tough for them. So they have to become Saurav Ganguly. They have to keep practicing. Aur aisa nahi ki aap aise hi baith ke bolo, yaar mujhe, you know, I don't write very well. Ab jab tak nahi likhoge, tab pata nahi chalega. True. So you have to keep writing at it. And anybody can become a writer. Anybody can become a writer, but what makes a person a bestseller? What makes a person? Oh, there are so many elements to, you know, having a hit book. Ek to hai luck. Because you don't know. Jab Shole bana gaya tha, jab Shole release hua tha, pehla ek hafta wo picture chala hi nahi. So, and then suddenly it turned around. या फॉर एग्जाम्पल अंदाज अपना 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 देखा है अंदाज अपना अपना, सलमान खान. हाँ, मजा आया देख के, है ना, मजा आया. इट इज नाउ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फनीएस्ट मूवीज ऑफ इंडिया, बट जब रिलीज हुआ था वो पिक्चर पिट गया था. सो इट्स लाइक दैट, यू डोंट नो व्हाट विल बिकम, व्हाट विल बी एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस. एज अ राइटर हमारा ड्यूटी है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद आवर क्राफ्ट एंड टू गिव a good interesting book for the readers to read. Entertaining hoga ya insightful hoga ya emotional hoga, jo bhi hai, we have to be very honest, and that is our duty as a writer. Baad mein kya hota hai, then it's a lot depending on the publisher that you publish with. For example, if it's a big publisher, then you know distribution is taken care of. Yes. You know, also aajkal as a writer, you have to do your own marketing. That is very, very important. Jaise abhi, this is like a marketing thing for me, right? Ahmedabad Book Club wrote saying, we want you on the show. I said, yes, of course, because I know here is a platform I'll be able to talk about my book. True. So as a writer, you have to be very shameful. You know, bina sharam ke aapko publicity karna chahiye. नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपके घर में यू नो बच्चा हुआ है. आपको हिंडोरा पीट के बोलना चाहिए ना, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, जो भी है, यू नो, तभी पता चलेगा. सो दैट्स हाउ इट इज, लाइक यू नो, एवरी ऑथर, पब्लिश्ड ऑथर इज लाइक अ पेरेंट, यू नो. आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ योर एडवाइस. सो ग्लैड. सो दैट इज. Okay, sir, I have asked you enough questions because you told me like you are a stand-up comedian. If you would like to share any of your jokes. वैसे थोड़ी होता है कि वो हो गया ना कि एक बार मैं एयरपोर्ट में था और सिक्योरिटी चेक हो रहा था, तो मैं एक शो के लिए जा रहा था शिलोंग. आई वॉज गोइंग टू शिलोंग टू डू परफॉर्म माई शो. तो सिक्योरिटी ने ऐसे पूछा, बंगाली था, तो बातें करने लगे, तो पूछा आप क्या करते हो, तो मैंने बोला कि भैया मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ. तो उन्होंने भी ऐसा, अरे चलो जोक सुना दो. तो वैसा नहीं होता है. आई हैव माय यूट्यूब चैनल, यू नो, आई विल पोस्ट दैट लिंक टू ऑल ऑफ यू, एंड यू कैन गो एंड यू नो check out my channel and follow and see all my videos and share it with your friends.
Definitely, sir, definitely. We will subscribe your channel. It is from the same name, Mr. Anirban Bhattacharya. No, it's called AB Stand Up Comedy. Okay. I have sent it to you. Also, I have Facebook pages that you can, you can follow. Okay. It's called Books by AB. Okay, sir. So, readers and writers, please follow me. And if you have any other question, you can, DM me and I'll try and help out if I have the solution for your question. Definitely, definitely, sir. Okay, at the end, any message for all the viewers, including me, what you would like to convey to all? Convey to all is we are living through very challenging times right now. Both health-wise, there is a pandemic, and there is also a pandemic within the country. Yes. Two diseases are attacking us. One is of COVID-19, the other is of hatred. Both only we can solve. COVID-19, we can solve the spread by being safe, washing hands, social distancing, not going out without masks. All of the precautions we can take to stop the spreading through communities. And hatred wala jo disease hai hamare desh mein abhi last 6 saal se kuch zyada hi badh gaya, to wo control karne ke liye hame dusre insaan ko pyar karna sikhna hoga. Aur kyunki wo bhi, he is also flesh and blood, and in the end we all die, hai na? Ye to hai nahi ki we will live forever, hai na? तो वाई, एक ही जिंदगी है हमारे पास, वी हैव ओनली वन लाइफ, सो वाई हर्ट अदर पीपल, वाई कमिट हेट्रेड एंड डू थिंग्स दैट विल किल अदर पीपल और हेट अदर पीपल. एक ही जिंदगी है, लेट्स लिव इट विथ लव एंड हार्मनी. सो दैट्स माई मैसेज. काफी अभी ये हालात देख के काफी मैं आई गेट वरिड कि हम किस तरीके का देश हम हमारे बच्चे के लिए छोड़ के जा रहे हैं, द फ्यूचर जनरेशन. एंड इट्स वेरी वरिंग कि द इंडिया दैट वी ऑल ग्रू अप विथ वाज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर एवरीबॉडी हैड अ राइट, एवरीबॉडी हैड अ फ्रीडम ऑफ स्पीच. आजकल कुछ यू आस्क क्वेश्चंस और यू रेज एनी क्वेश्चंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यू आर इमीडिएटली पुट बिहाइंड बार्स. यू नो द वॉइस ऑफ डिसेंट इज गॉन. So we have to be careful and we have to keep loving everybody, spread love, not hate. That's all I have to say. Sorry, कुछ serious हो गया मामला last में. नहीं, तो बहुत अच्छा था वो, spread love. So sir, we will be waiting for your next book, and friends, till then, don't forget to read The Deadly Dozen by Mr. Anirban Bhattacharya. It was a great, great pleasure to talk to you and know many more things from you. Thank you so much. मेरा अगला किताब बच्चों के लिए है. So it's a kids book. So all of the kids, okay. You, all the parents can buy the book for kids. It's being released by Om Books. Okay. So it is one of the leading publishers in the country. They have their own bookstores as well. So it's about 6 kids who go and solve. 5 kids and a dog who go and solve a mystery. Wow. So it's अच्छा मजेदार किताब है. So it will be coming out this year. ये बहुत मजेदार होगा. काफी interesting. So when can we expect that? तो अभी it was supposed to get released in May June, but ये COVID आके तो सबका band बजा दिया. तो I'm hoping by at least October November. Hopefully. Okay sir. Okay. So I will post it on Ahmedabad Book Club as soon as it gets released. Definitely, and we will have a talk show again with you for your next book. इस बार बच्चों के साथ करेंगे. ठीक All है. All the kids of Ahmedabad Books Club will have a chat. Done. Done. Oh, which story was the one? No, there's a question. There's a question. Yes. Sonia Kulkarni. Okay. Which story was the one you enjoyed the most? So I enjoyed Nithari very well. The case of Nithari. आप जानते हैं निठारी के बारे में? Do you remember the Nithari case?
कैसे हो यार आप? यू बिकम द फ्रॉग इन द वेल सिटिंग इन गुजरात. नॉट डन, नॉट डन. एंड निठारी केस हैपेंड इन नोएडा, ओके और जहां पे दे गॉट दे फाउंड 16 स्केलेटन्स इन अ ड्रेन, एंड द सर्वेंट ऑफ द हाउस वॉज देन ही अपेरेंटली कन्फेस टू द क्राइम, एंड ही एंड हिज मालिक मालिक को भी फंसा दिया. तो वो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था तब पता चला कि जो हमें बताया गया शायद वो असली स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी के पीछे और है माल मसाला. तो देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग, और आई गॉट इन टच विद दिस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हु गेव मी अ लॉट ऑफ मटेरियल. सो दैट वाज वन ऑफ द स्टोरीज आई रियली एंजॉयड राइटिंग, क्योंकि आई वांटेड टू शेयर द कॉन्स्पिरेसी थियोरीज विद द रीडर एज वेल, कि भैया जो दिखता है वो बिकता नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारे राज हैं. सो दैट वॉज द स्टोरी आई एंजॉयड. एंड विच स्टोरी टू स्टार्ट विद? यू कैन स्टार्ट विथ एनी स्टोरी, डजेंट मैटर, इट्स ऑल स्केरी. आई थिंक हैप्पी फिलोसोफर हैज गॉट स्टक. नो, अतीत शर्मा. हाँ, अनिर्बान सर. हाय अतीत. सोनिया कुलकर्णी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. अनिर्बान सर, हु इज योर फेवरेट राइटर? माई फेवरेट राइटर बहुत सारे हैं, बट आई रियली लाइक अमिताभ घोष, आई लाइक मुराकामी, आई लाइक अगाथा क्रिस्टी, एनिड ब्लाइटन और पिको आयर और बिल ब्राइसन, ये दो बहुत अच्छे ट्रैवल किताबें लिखते हैं. तो आई रियली लाइक देयर स्टोरीज अबाउट ट्रैवलिंग, क्योंकि मिडिल क्लास हूँ, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता, तो उनके किताब किताब के थ्रू ही दुनिया देखता रहता हूँ. तो आई रियली लाइक देम. सो या, एंड रस्किन बॉन्ड ऑफ कोर्स, हु कैन नॉट लाइक रस्किन बॉन्ड? आई मीन ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स. सो या, दोज आर माई फेवरेट राइटर्स. एक तो कभी हो नहीं सकता. वही मैं कहा कि आप बंगाली से पूछोगे आपको रसगुल्ला पसंद है या चमचम, तो भैया बंगाली बोलेगा रसमलाई क्यों नहीं ऐड किया उसमें. तो True. वो, सो दैट्स दैट. एनी मोर क्वेश्चंस वी हैव? I think you have answered them all. Let's see in the chat. Have friend. So what a nice advice. Ah, किसी ने लिखा what a nice advice. वाह, बाबा अनिर्बान has spoken. हाँ, चलो. It's very Baba good. has spoken really हाँ, बट आजकल बाबा होना बहुत डेंजरस है. या तो आप अंदर चले जाते हो या आपके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने रेड करवा देता है. तो बाबा होना अच्छी बात नहीं है. ग्रेट सेशन. सेम हियर. आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू. बेस्ट ऑफ लक ऑन योर न्यू बुक. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग योर बुक. आई एम लुकिंग थैंक यू फॉरवर्ड सर टू एंड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द अहमदाबाद बुक क्लब. वी शैल मीट अगेन आफ्टर COVID-19 इज ओवर एंड आई एम इन योर सिटी. And Definitely, sir. we shall do a book reading We and would session. like to serve you more of sweet foods in Are Ahmedabad. lovely, lovely. Superb, superb. So we shall meet. Best of luck, Ahmedabad Book Club, and keep reading and spreading the joys of reading with people. Thank you Thank so you. much, sir, for joining us and sharing the insights from the life. Thank you so much, sir. It was a Thank great you. session. Thank Thank you, you. Ahmedabad Book Club, for having us. Bye. Bye.